दोस्तों यहाँ पे अपने पास में देखिए एक रोलर मशीन है, जो सीटें अपन ने अभी पंचिंग करी है उन सीटों की यहाँ पे गोलाई की जा रही है। 3x13 इंची का हमारा प्रोडक्ट जो बन रहा है उसकी यहाँ पे गोलाई बन रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्जुन लाल कुमावत और आप देख रहे हैं कुबेर टेक्निकल गुरुजी। दोस्तों चैनल में आज आपका हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही एक अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक पूरा देखें और चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों कंस्ट्रक्शन का काम तो हर जगह पे किया जाता है और कंस्ट्रक्शन के काम में लाइट फिटिंग की भी आवश्यकता होती है अपने को। तो इस लाइट फिटिंग के अंदर जो अपने कंसील्ड बॉक्स होते हैं, आयरन की सीट जो होती है बिजली फिटिंग में, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आज हमें JST कंस्ट्रक्शन एक कंपनी है जहाँ पे इन सीटों की बनावट होती है, किस प्रकार से इनका कार्य होता है और जो रॉ मटेरियल होता है आयरन की सीट होती है उससे किस प्रकार से ये कंसील बॉक्स बनाए जाते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को आप ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी एडवाइस जरूर दें। दोस्तों कंसील्ड बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास कच्चा मटेरियल होता है, जो आयरन की सीट होती है, जो GI की सीट होती है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो सीटें हमारे पास में पड़ी हुई है ये GI की सीटें होती है, इनके द्वारा ही हम कंसील्ड बॉक्स आयरन की सीट जो होती है वो बनाते हैं इससे। दोस्तों जो हमारे पास GI की सीट होती है, देखिए एक कटिंग मशीन अपने पास चल रही है, इस कटिंग मशीन पे इन GI की सीटों को यहाँ पे काटा जाता है। 3x13 इंच का यहाँ पे अभी प्रोडक्शन चल रहा है, जो कंसील्ड बॉक्स बनाया जा रहा है वो 3 इंची चौड़ा और 13 इंची लंबाई का कंसील्ड बॉक्स अभी यहाँ पे बन रहा है। कटिंग मशीन पे इन सीटों की कटिंग चल रही है। दोस्तों यदि मैं आगे की स्टेप की बात करूं तो ये देखिए यहाँ पे एक पावर प्रेस चल रहा है अपने पास में, 3x13 इंच का जो कंसील्ड बॉक्स बन रहा है उसकी यहाँ पे पंचिंग चल रही है। जो सीटें अपन ने वहाँ पे कटिंग मशीन पे काटी थी उसकी यहाँ पे देखिए पंचिंग हो रही है, जो अपना डिज़ाइन है उसका पंचिंग इस सीट पे यहाँ पे हो रहा है। ये देखिए आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे, ये इसकी जो पंचिंग है वो इस सीट पे यहाँ पे कर दी गई है इस पावर प्रेस के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पे अपने पास में देखिए एक रोलर मशीन है, जो सीटें अपन ने अभी पंचिंग करी है उन सीटों की यहाँ पे गोलाई की जा रही है। 3x13 इंची का हमारा प्रोडक्ट जो बन रहा है उसकी यहाँ पे गोलाई बन रही है। देखिए बहुत बारीकी से मैं आपको दिखा रहा हूँ कंसील्ड बॉक्स मैन्युफैक्चरर प्लांट, यहाँ पे राउंड किया जा रहा है इन सीटों को। मास प्रोडक्शन जहाँ पे होता है फैक्ट्रियों में वहाँ पे आज मैं आपको लेके आया हूँ, लाइव में आप देख रहे हैं JST कंस्ट्रक्शंस जहाँ पे इन सीटों की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। बहुत ही स्पीड के साथ में इन सीटों को बेंड किया जाता है यहाँ पे। दोस्तों जो कंसील्ड बॉक्स देखिए अपन ने जो राउंड में अभी ये बनाया था, अब इसका ढक्कन बनाने की आवश्यकता रहेगी ये वाला, तो ये ढक्कन भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस प्रकार से बनता है। ये था अपना कंसील्ड बॉक्स, इसको राउंड किया है, इसका ढक्कन अभी अपन बना रहे हैं। ये देखिए इसके लिए ये एक पावर प्रेस यहाँ पे अपने चल रही है और यहाँ पे सीट का ढक्कन बनाया जा रहा है। ये देखिए किस प्रकार से ढक्कन इसका बनता है, ये देखिए JST यहाँ पे बन रहा है, इसका ढक्कन अपन ने बना दिया है यहाँ पे। सीट लगा देते हैं और ऑटोमेटिक प्रेस के द्वारा देखिए इसमें से कट जाता है सीट में से। ये देखिए सीट अभी यहाँ पे जो रखी है काट के इसके अंदर से ये इसका ढक्कन ये देखिए कट गया है यहाँ पे, ये तैयार हो गया ढक्कन। दोस्तों अपने पास में कंसील्ड बॉक्स के जो अभी ढक्कन हमने बनाया है उसको ढक्कन को देखिए कंसील्ड बॉक्स पे यहाँ पे वेल्डिंग किया जा रहा है। ये देखिए
इसको वेल्ड कर दिया जाता है। वेल्डिंग प्रक्रिया, इसको यहाँ पे फिक्स करने के लिए वेल्ड किया जाता है। गरम गरम गरम, ये देखिए वेल्ड किया हुआ है यहाँ पे। दोस्तों कंसील्ड बॉक्स के लिए देखिए यहाँ पे इसका जो एक हेड होता है इसका वो भी बनाना होता है, जिसे रिंग बोला जाता है, उसके हेड पे लगाते हैं इसको। देखिए ये जो कंसील्ड बॉक्स का जो रिंग है, ऊपरी हेड जो होता है वो हेड यहाँ पे बनाया जा रहा है। देखिए ये वाले यहाँ पे अभी बने हैं अपने पास में, इन्होंने बना दिए हैं। कंसील बॉक्स का हेड ये बन गया, इसकी जो बंगड़ी है ऊपरी सिरा ये यहाँ पे रेडी है। ये देखिए इस प्रकार से ये बनता है। दोस्तों जो कंसील बॉक्स हैं देखिए इनकी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, और अब इनके जो हेड और इसका जो ढक्कन था यहाँ पे नट बोल्ट की सहायता से देखिए यहाँ पे इनको कसा जा रहा है, हैंड ड्रिलिंग मशीन के द्वारा यहाँ पे पेच लगाए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे इनको फिक्स किया जा रहा है, पेच लगाए जा रहे हैं, स्क्रू जिसे अपन कहते हैं। काफ़ी मात्रा में कंसील बॉक्स 3x13 इंच का मैन्युफैक्चरिंग अभी यहाँ पे हो रहा है जो आप देख पा रहे हैं। दोस्तों कंसील्ड बॉक्स बनने के बाद में कलर से इनको कोटेड किया जाता है। ये देखिए आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो अपना कंसील्ड बॉक्स बना हुआ है इनको यहाँ पे रखा हुआ है अंदर, और कलर से यहाँ पे कंसील्ड बॉक्स को कोटिंग किया जा रहा है। यहाँ पे ये अपने कंसील्ड बॉक्स हैं। दोस्तों कंसील्ड बॉक्स को कलर से कोटिंग करने के बाद में देखिए यहाँ पे एक भट्टी है बिजली की, तो यहाँ पे इनको अंदर रख के इसके और इनको पकाया जाता है कंसील्ड बॉक्स को, कलर को। देखिए भट्टी के अंदर कंसील्ड बॉक्स को पकाने के बाद में जब ये कलर पक्के तैयार हो जाता है तो अपना ये कंसील्ड बॉक्स भी रेडी हो जाता है और बाज़ार में बिकने के लिए एकदम से ये अभी तैयार है। अब इनकी डायरेक्ट सेलिंग होगी यहाँ से और ये बाज़ार में जाएगा जहाँ से कस्टमर अपने घर के लिए इसे ख़रीद लेता है। देखिए कंसील बॉक्स की यहाँ पे पैकिंग भी कर ली है बाज़ार में सेलिंग के लिए। आपको भी यदि कंसील बॉक्स की आवश्यकता है, अपना मकान आप बना रहे हैं तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से आप ले सकते हैं, आपको एक डिस्काउंट रेट पे यहाँ पे कंसील्ड बॉक्स मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर भी यहाँ पे मिलेगा और जहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कमेंट बॉक्स में अपनी एडवाइस ज़रूर दें और चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।